हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईटी स्टूडेंट के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल कर आ रही है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी निकला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल बता दूंगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फीस कितना लग रहा है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, जितने भी कैंडिडेट आज का वीडियो नहीं देख रहे होंगे, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर ही आप लोग को अपडेट मिलेगा। तो मैं अभी इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे PASPTCL का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सभी जो पोस्ट ये परमानेंट है। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म आप लोग का 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, उसके बाद लास्ट डेट है इसका 11 जून 2021, और यहाँ पे फी पेमेंट कर पाएंगे 15 जून 2021 तक। और ये यहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग जो होगा, ये आप लोग का पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में होगा, और एडवर्टिजमेंट नंबर आप लोग का यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगेंस्ट CRA नंबर 11/2021 आप लोग का ये है एडवर्टिजमेंट नंबर। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है। तो देखिए, पोस्ट का नाम है आप लोग का असिस्टेंट लाइनमैन, यानी कि ALM का है टोटल यहाँ पे 350 सीट। उसके बाद आप लोग का है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, यानी कि यहाँ पर टोटल है 150 सीट। इसको मैं अदर वे में बोल सकते हैं, SSO भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या चाहिए, 10th में आपको पंजाबी सब्जेक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका फुल टाइम IT पास होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या एनवायरमेंट ट्रेड में कोई भी ट्रेड, NCVT SCVT कोई भी चलेगा। अब यहीं पे साफ साफ क्लियर हो जाता है, अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आपके पास 10th में पंजाबी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपका पंजाबी लैंग्वेज नहीं है तो फॉर्म को आप लोग यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। वहीं पे असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए यहाँ पे भी आपको 10th पास रहना चाहिए पंजाबी सब्जेक्ट में, और फुल टाइम आपको IT रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, आपका NCVT SCVT कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी गाइज आप लोग को 30,000 प्लस ही आप लोग को यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेबेत पे कमीशन के अनुसार। यहाँ पे आप लोग का मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा सिलेक्शन प्रोसेस फीस के बारे में, तो बस यहाँ पे वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को पंजाबी नॉलेज बहुत ही रहना जरूरी है 10th लेवल में, अगर आपका पंजाबी लैंग्वेज नहीं है तो फॉर्म को आप लोग नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट की, जो आपका एज लिमिटेड यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 साल से 37 साल के बीच में आप लोग का यहाँ पे एज रहना चाहिए अदर पोस्ट के लिए, और जो लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट उनका 18 से 37 साल के बीच में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एज छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनको जो कैंडिडेट पंजाब के निवासी है, यहाँ पे एज छूट के बारे में बता दिया हूँ। अब उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें लाइनमैन का 80 क्वेश्चन ट्रेड का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका GA का रहेगा या पंजाबी का बोल सकते हैं, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा इंग्लिश और पंजाबी दोनों में रहेगा, इसका भी सेम है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का, यहाँ भी 100 नंबर का होगा जिसमें 80 टेक्निकल, 20 आपका GK और GA का रहेगा, ये भी आपका इंग्लिश और पंजाबी सब्जेक्ट में रहेगा। ये आप लोग का ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंजाब में ही आप लोग को ये जून जुलाई में यहाँ पे टेंटेटिव बोला है कि ये ले लेगा ऑनलाइन पेपर। अब यहाँ पे आप लोग का प्लेसमेंट जो होगा ये पंजाब के ही जो ट्रांसमिशन कंपनी है वहाँ पर होगा। फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन भरना होगा, PASTCL.org पे आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फीस आप लोग का जो लग रहा है वो जनरल के लिए 1200 लग रहा है, SC के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 480, उसके बाद यहाँ पे PWD के लिए 600, EWS के लिए 480, और OBC के लिए यहाँ पे भी आप लोग को 1200 लग रहा है टोटल। यहाँ पे आप लोग को बैंक चार्ज करके आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो EWS, SC और PWD छोड़ करके सारा कैंडिडेट को 1416 लगेगा, उसके बाद SC को 566, PWD को 708, EWS के लिए 566 रुपया लगेगा। उसके बाद इसमें कोई भी और कुछ खास डिटेल नहीं है। तो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कैंडिडेट पंजाब से बिलोंग करते हैं या जिनका 10th में पंजाबी लैंग्वेज है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरिएगा। बहुत ही लार्ज स्केल में बहाली है, इस तरह का बहाली बहुत ही कम देखने को मिलता है। और देखिए, हर राज्य में तो इस तरह बहाली नहीं निकलता, लेकिन पंजाबी राज्य है जो बहुत ही IT स्टूडेंट के लिए मेहरबान है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बहाली निकला है। तो गाइज, ये PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलूंगा नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। अपने परिवार का ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए, जब भी काम जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अपने बुजुर्ग का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। तो और भी कुछ अपडेट आता है इससे तो आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।